और खींच के सबस सबस। जैन दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं सुपर एडवांस एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी रनिंग में सांस फूलती है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आपकी सांस की कंट्रोलिंग पावर बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हमारी सांसें इतनी फूलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जब ये एक्सरसाइज हम करते करते हैबिट बन जाएगी तो गारंटी है कि आपकी रनिंग में सांस नहीं फूलेगी। तो दोस्तों ये जो आपने डेमो देखा एक्सरसाइज का, इसके अलावा हमारे पास और तीन एक्सरसाइज, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं, वो बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज हैं और ये हमारी सुपर एडवांस एक्सरसाइज हैं जो आपको करना होगा। और इन एक्सरसाइजों को करने से पहले आपको हल्का वार्म अप करना होगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत टफ है, तो देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दिखाते हैं ये एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये जो हम आपको एक्सरसाइज दिखा रहे हैं इसको मैं आपको 30 सेकंड दिखाऊंगा, इसके बाद इस एक्सरसाइज को करने का तरीका बताऊंगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड देखिए, फिर मैं बताने वाला हूं आपको कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। यस चलते रहिए। तो 20 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड अभी बाकी हैं, तो आप देख लीजिए कि कैसे करना है। अगर आप देखते हुए समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यस अब तो दोस्तों करना क्या है आपको, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको दोनों पैर पीछे ले जाना है और दोनों हाथ आगे, हाथों की दूरी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होगा नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करना है, इसके बाद ये वाले पैर को इस साइड में एंगल यल बनाते हुए लाना है और इस वाले हाथ को खींचना है। यस जैसे आप देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये जो आपकी मसल्स होगी और ये बैक होगी वो पूरी की पूरी मजबूत होगी, और इसके बाद जब ये पूरा आप ऐसे खींचेंगे ना तो पूरा ये बैक आपका मजबूत होगा। इसमें से पेट की भी एक्सरसाइज और थाई की भी एक्सरसाइज है और आपकी जो शोल्डर की ये भी एक्सरसाइज है। इसके बाद सेम दूसरे साइड ले जाना। यस या दूसरे साइड ले जाएंगे तो इस पैर में भी आपका पूरा का पूरा जोर पड़ेगा और इस साइड में भी, जैसा कि मैंने बताया कि इस पेट में भी पूरा जोर पड़ेगा और बैक में भी पड़ेगा। लेकिन जब इस पैर को बार बार आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये जो ये है आपका कॉफ, ये भी मजबूत होगा। यस दूसरे साइड। यस कंटिन्यू। या चलिए तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह इस एक्सरसाइज को करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको अगेन एंड अगेन देखिए और एक्सरसाइज को कैसे करना है। यस चलते रहिए सबस। लेकिन दोस्तों इसको कस के प्रॉपर खींच के ले जाना है और इसको पूरा पैर, जो आपका पैर का एंगल होगा बिल्कुल टाइट ही बनेगा। यस यस अब दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज, किस तरह करना है। यस शुरू करिए बेटे। यस हाँ यस दोस्तों करना क्या है आपको। यस थम थम। जैसे दोस्तों आपको पूरा ऐसे एंगल बनाना है, ये देख रहे हैं आप पूरा ये मजबूत हो रहा है। इसके बाद जब जाइए नीचे, जब आप नीचे जा रहे हैं ये जो पूरा इसका ये पूरा एंगल है ये मजबूत हो रहा है। इसके बाद आपके जो सीने की एक्सरसाइज है वो भी हो रही है, लेकिन एक्सरसाइज में सांस का फूलना बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यस क्योंकि हम इसको कंटिन्यू एक मिनट तक कर रहे हैं। यस करिए। या लेकिन जब आप ऐसे पूरा एंगल पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो आपका ये जो बैक में है वो भी जोर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा आपका इस थाई में जोर पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सांस फूल रही है। जब आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे यानी एक एक मिनट के कम से कम 4 से 5 सेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस फूलेगी, वही आपको रनिंग के दौरान जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो बहुत ही आपको लाभ पहुँचाएगा, जो रनिंग के दौरान आपकी सांस कम फूलेगी। यस यस गुड। या थम शुरू। दोस्तों ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है और ये आप देख रहे हैं किस तरह करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का एंगल करना है आपको। यस थम। तो दोस्तों करना क्या है आपको, इस तरह पूरा एंगल बना के खड़ा होना है। पहला स्टेप क्या करना है, यस पहले आपको इस तरह करना है। दूसरा यस पूरा घुटने नीचे टेकने हैं आपको दोनों पैरों के। यस इसके बाद चौथा तीसरा यस या इस तरह, फिर चौथे में पूरा आपको जंप करना है, पूरा हाथ को आगे पीछे की तरफ लाना है। यस बी कंटिन्यू सबस। चलते रहिए गुड सबस। यस सबस सबस सबस। पूरा जंप ले,
पूरा हाथ को। दोस्तों जब आप हाथ की जब हाथ का एंगल लेंगे पूरा पूरा पीछे की तरफ लेंगे फिर जंप करेंगे उससे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा यहाँ पर जोर पड़ेगा पेट में, क्योंकि ये हाथ का पूरा खिंचाव हो रहा है, बैक का भी खिंचाव हो रहा है और सांस का ज़्यादा से ज़्यादा फूलना हो रहा है, जो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। यस यस शुरू, चलिए चलिए चलिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी तो ये पक्के में है लेकिन आपको ग्रास में करना है, क्योंकि आपके घुटनों में भी दिक्कत हो सकती है, आपके घुटनों में थोड़ा हल्का पेन भी हो सकता है, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज आपको ग्रास में ही करनी है। यस यस चलते रहिए और जंप ले ऊपर। यस यस दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम चौथी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे कुछ एडवांस चीज़ें जिसमें से पुशअप भी होगी और ये ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा आपका थाई में जोर पड़ेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे। यस आपको हाँ करते रहिए, आपको दो दो तरह पूरा एंगल बनाना है, इसके बाद पूरा जंप लेना है, फिर नीचे की तरफ जाना है, फिर जब उठना है फिर दो तरह, यानी ये देखो आप जब यस हाँ जब आप ऐसे होंगे तो ये पूरी मसल्स इसकी जो टाइट हो रही है वो ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो जोर पड़ रहा है पूरा ये रनिंग के दौरान आप देखते हैं कि ये पूरा एंगल जो भरता है उसी एक्सरसाइज से वही सारी चीज़ें मजबूत हो रही हैं। यस फिर से यस या सबस सबस चले हाँ पूरा जंप ले गुड। दोस्तों जंप लेना है, इसके बाद दो बार फिर इसको इसमें से प्रेशर देना है, फिर पुशअप करना है, फिर जंप लेना है। यस हाँ चलिए चलिए सबस 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 चलिए। अब तो दोस्तों ये थी हमारी सुपर एडवांस एक्सरसाइज जो बहुत ही टफ एक्सरसाइज है। दोस्तों इनको कंटिन्यू करना है और आपको वर्कआउट के बाद इन एक्सरसाइजों को शामिल करना है, जिससे से ज़्यादा आपकी सांस की कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी और रनिंग के दौरान आपकी सांस कम फूलेगी। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन होगी उसको दबाइए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे चैनल को दोबारा देख सकते हैं और हमारी एक्सरसाइज को लाभ उठाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।